लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए आज मुरादाबाद में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लेकर आम लोगों को एक संदेश दिया है। अदालतों पर बढ़ रहे मुकदमों के बोझ से निजात पाने के लिए लंबे समय से लोक अदालतों के आयोजन किया जाता है, जिसमें लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाता रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद कचहरी से एक प्रचार प्रसार रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य है कि आम लोगों में संदेश जा सके कि वो अपने लंबित पड़े वादों को निस्तारण हेतु लोक अदालत में शिफ्ट कराते हुए जल्दी जल्दी उसका निस्तारण हो सके। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 8 फरवरी को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो पूरे महानगर में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत है, उस लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपने मामलों को सुलह समझौते से सब निपटावें, इसके लिए जागरूकता रैली निकाली गई थी। इसमें कुछ स्कूल के बच्चों को डीआर साहब के माध्यम से सहयोग मिला गया था और हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स से इन लोगों ने घूम के शहर में जागरूकता फैलाने का काम किया है। सर, आप मीडिया के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अपना जो भी मुकदमा हो सुलह समझौते के माध्यम से उसको निपटाने का प्रयास करें, लोक अदालत में हमेशा के लिए झगड़े निपट जाएं, ताकि थैंक यू सर। सर, ये रैली ने कहां कहां दौरा किया? पूरे शहर में, शहर की मुख्य मुख्य सड़कों पर एक रैली निकली थी जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस रैली में किस किस ने प्रतिभाग करा था सर? इसमें पैरा लीगल वॉलंटियर्स थे हमारे DLSA के माध्यम से और DIO साहब के माध्यम से कुछ बच्चे जो जिनके आज क्लासेस नहीं थे उनको लिया गया था, उनका सहयोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।